जो है वो उन्हें सही गाइडेंस दे, उन्हें सही रास्ता दिखलाए, और रास्ता एक ही है, वो है तालीम का। तालीम अगर आपको मिल जाएगा, सही तालीम, और जो ये स्कूल कर रहा है, ये बुनियाद का, और आप बच्चों को और आपके बीच में आकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर है कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर, तेरा तरीका मीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये गरीबी जो है, आप लोग ये समझ रहे हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। गरीबी आदमी पढ़ रहा है, हालात जिनके मुश्किल तर हालात है। अभी अभी रिसेंटली एक बच्चा अभी ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम में टॉप किया है कोटा से। बाप उसके कपड़ा सीते हैं। जो शेर मैंने पढ़ा, उस अल्लामा इकबाल की जो नज़्मे हैं, जो उनका जो शेर व शायरी है, वो पूरा जो है उसका सेंटर जो है वो मुस्लिम कौम रहा, और उसको उन्होंने अकाब शाहीन परिंदे से उसको उसकी ये किया, कंपैरिजन किया, उसकी बराबरी की। तो वो शाहीन जो है, शाहीन चिड़िया जो है, मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, आसपास में भी लोग सुन रहे होंगे, माँ बहने भी सुन रही है, मैं यहाँ आया। वो शाहीन अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कैसे करती है, वो कभी अपने बच्चों को दूसरे चिड़ियों का शिकार किया हुआ गोश्त नहीं खिलाती है, और कभी उसको मुर्दार जानवर का। हमारी तरफ से, वासेपुर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम किया। मुझे लगता है ये आपका प्रोग्राम कंटिन्यू मैं तीसरा साल देख रहा हूँ, और हर साल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वक्त के साथ साथ अपने स्कूल का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि तालीम की ताकत को लोगों को बताया जाए कि आज के इस युग में तालीम बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप तालीम नहीं लेंगे तो आपको लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी एरिया में आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि काश मैंने तालीम ली होती, काश मैं तालीम की तरफ ध्यान दिया होता। और जो माँ की गोद के बाद से बच्चे स्कूल में कदम रखते हैं, और बच्चों को अगर सही शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान की जाती है, मोरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा कि मोरल वैल्यूज पे बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि आज हमारे समाज में मोरल डिग्रेडेशन बहुत जगह दिखाई दे रहा है। जिस मोरल डिग्रेडेशन की वजह से हमारे युवा जो है डेविएट हो रहे हैं, उन्हें अपने मकसद को समझने में आसानी नहीं हो रही है। इसलिए स्कूल के लिए जो जिम्मेवारी बनती है, इस स्कूल में वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। स्कूल को ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों को हर गुण को उभारने की कोशिश की जाती है। यहाँ से सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिग्री से ही आज के समाज में सुधार नहीं लाया जा सकता है। हमारे बच्चों को हर तरह से कॉपरेट करने के लिए और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, फिजिकली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, और मोरली स्ट्रांग भी बनाने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा स्कूल से ही निकलता है, वो इतना ये प्रोडक्ट इतना मतलब मजबूत होकर निकलता है कि आप आगे की दुनिया में वो कोई भी परेशानी को सफ़र नहीं करता, और वो मजबूती से अपने हर परेशानियों का हल निकालता है। तो हमारे पेरेंट्स और स्कूल्स के स्टाफ मिलकर हमारे युवा, देश की चलाने वाले बच्चे,
जो कल के देश के भविष्य है इनके ये तैयारी करते हैं। और पढ़ना और पढ़ाना दोनों जज्बे को हम सलाम करते हैं। ये वो जज्बा है जो देश को दुनिया को बदल रहा है। आज पूरी तरीके से हम लोगों को ये जरूरत है कि बच्चों के हर छुपे हुए गुण को निखारा जाए। सिर्फ ये नहीं कहा जाए कि आप पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, जितना ज़्यादा हो रटते रहिए। आज बच्चों को पैरोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव गुण है, इंटरेस्ट, इंट्रेंसिक टैलेंट है, उनको निखारने की ज़रूरत है। किसी बच्चे में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, किसी बच्चे में सिंगिंग का टैलेंट है, इस तरह से बहुत सारे टैलेंट है बच्चों में। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी